हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू। आप देख रहे हैं अन्नूज रेसिपीज। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मेरे सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की होली बहुत ज़्यादा शुभ हो, बहुत ज़्यादा सेफ हो। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग होली स्पेशल रंग बिरंगे बूंदी के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। और ये जो बूंदी के लड्डू हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगते हैं दिखने में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं होली स्पेशल रंग बिरंगे बूंदी के लड्डू बनाना। फ्रेंड्स, बूंदी के लड्डू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस कटोरी से नाप करके एक कप बेसन लिया है। इस कटोरी से नाप करके एक कटोरी बेसन लिया है और अब हम इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक पकौड़े की जैसी कंसिस्टेंसी वाला एक घोल बना करके तैयार करेंगे। लगभग जितना बेसन है उतना ही पानी इसमें लग जाएगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके ही इसमें पानी ऐड करें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो घोल है वो तैयार हो गया है। और ये जो घोल है वो एक धार के रूप में गिर रहा है, बीच में टूट नहीं रही है धार, इसलिए हमारा जो घोल है वो परफेक्ट है। तो अभी हमें इस घोल को फेंटना है। 4 से 5 मिनट के लिए हम इस घोल को एक ही तरफ लगातार चलाते हुए फेंटेंगे, जिससे इसमें एयर इंक्रीज हो सके। उससे हमारी जो बूंदियाँ हैं वो गोल गोल फूली फूली बनेंगी। तो हमने 5 मिनट तक इस घोल को फेंट लिया है अच्छे से। अब हम इस घोल को 10 मिनट के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देंगे। और आप देख सकते हैं कि जो हमारा घोल है इसमें साइड में बबल्स दिख रहे हैं, इसका मतलब जो हमारे घोल है वो अच्छे से फिटा है। अब हम इसको 10 मिनट के लिए बिना ढके रख देंगे, खुला ऐसे ही छोड़ देंगे। और तब तक हम अपनी चाशनी बनाकर तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी बेसन लिया था, तो 1.5 कटोरी मैंने शुगर ली है। और 1.5 कटोरी शुगर में शुगर से आधा हम अपने पानी ऐड करेंगे। तो जितनी हमारी चीनी है उससे आधा हम पानी इसमें ऐड कर देते हैं। और गैस को ऑन करके चीनी को पिघलने तक हम पहले मिक्स करेंगे और उसके बाद में हमें 1 तार की चाशनी बनाकर तैयार करनी है। मेरा बर्तन काफ़ी बड़ा है इसलिए आपको शुगर इसमें काफ़ी कम नज़र आ रही है, लेकिन जितना बेसन है उसका 1.5 गुना आपको शुगर लेनी है। इसके लिए शुगर मेल्ट हो गई है और अब हम इसको चेक करेंगे थोड़ी थोड़ी देर में। और 1 तार की चाशनी हमें बनानी है, तो हम एक बार चाशनी को चेक कर लेते हैं। तो हम चाशनी थोड़ी सी नीचे गिराएंगे और जो लास्ट ड्रॉप होगी उसमें एक तार हल्का सा निकलता हुआ दिखेगा। अब देखिएगा ध्यान से, जो लास्ट ड्रॉप होती है उसमें एक हल्का सा तार नजर आएगा। ये देखिए तार नजर आने लगा है, या फिर आप अंगूठे और उंगली के बीच में चिपका कर भी देख सकते हैं, एक तार जैसा बनना चाहिए हल्का सा। तो हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। हम गैस को ऑफ कर देंगे और चाशनी को ढक करके रख देंगे। यहाँ पर हमारा बैटर भी सेट हो गया है, हम इसको हल्का सा और फेंट लेते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स हम आज कलरफुल बूंदी बना रहे हैं, तो हम इस बेसन को 3 बराबर पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। लगभग बराबर मैंने लिया है। आप चाहें तो बिना कलर के भी सिंपल बूंदी के लड्डू बना सकते हैं, लेकिन होली का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है, इसलिए मैंने ये लड्डुओं को थोड़ा सा कलरफुल बनाया है। तो 2 पोर्शन मैंने अलग अलग निकाल लिए हैं। तो 1 पोर्शन में मैं ग्रीन कलर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर लिया है मैंने यहाँ पर। ये ऑर्गेनिक कलर्स हैं, बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं होते हैं। और 1 बैटर में मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इससे जो हमारे लड्डू हैं वो काफ़ी काफ़ी खूबसूरत नज़र आएंगे। आप चाहें तो बिना कलर के सिंपल बूंदी के लड्डू बना सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे बैटर को। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे 3 बैटर अच्छे से रेडी हो गए हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल को बहुत तेज गर्म किया हुआ है, यानी जो ऑयल है वो काफ़ी गर्म हो गया है। और यहाँ पर बूंदी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर जो कद्दूकस होता है, जो ग्रेटर होता है, वो उसका मैंने यूज़ किया है। तो ग्रेटर के उल्टी साइड पर, इस तरफ उल्टी साइड पर, ये देखिए इस तरफ जो उल्टी साइड होती है, यहाँ पर हम बेसन डालेंगे और थोड़ा ऊंचाई से डालेंगे। और नीचे जो हमारा ऑयल है वो काफ़ी गर्म होना चाहिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो बूंदियाँ हैं वो अपने आप गिरती जा रही हैं और गोल गोल बूंदी निकल रही है बहुत अच्छी। इसका मतलब हमारा जो ऑयल, हमारा जो बेसन था वो काफी अच्छे से फिट करके तैयार हुआ था। तो ये देखिए, जितनी बूंदी एक बार में बेसन में आ सके उतनी आप, जितनी बूंदी आ सके ऑयल में, सॉरी फ्रेंड्स, उतनी ही बूंदी आप इसमें डाल दें।
और सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हमें इनको सेकना है, क्योंकि ज़्यादा कड़क हमें इनको नहीं करना है, ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बनाना है, क्योंकि लड्डू बना रहे हैं हम। तो देखिए हमें जो बूंदी का कलर है वो चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी, बस 1 से 2 मिनट के लिए हमने इनको सेका है, फ्राई किया है, और अब हम इनको निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और सेम इसी तरीके से हम ग्रीन कलर की बूंदी भी बना लेंगे। बूंदी को आप हमेशा फ्रेंड थोड़ा सा ऊंचे से डालें, थोड़ा ऊपर से डालें, और जो बूंदी डालते वक्त जो हमारा ऑयल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए, नहीं तो जो बेसन है वो नीचे जाकर चिपक जाएगा और बूंदी गोल गोल बनकर के तैयार नहीं होंगी। ये देखिए ग्रीन कलर की बूंदी भी हमने बना ली है। सेम इसी तरीके से हम ऑरेंज कलर की बूंदी भी बना करके तैयार करेंगे। अगर बेसन अच्छे से नहीं फिटा होगा तो बूंदी इस तरह से गोल नहीं बनेंगी, वो या तो लंबी हो जाएंगी या चपटी हो जाएंगी, तो आप थोड़ा सा उसको और फेंट लें। अगर आप बेसन को फेंटना नहीं चाहते हैं तो आप 1 पिंच बेकिंग सोडा की मिला दें बेसन में, उससे भी हमारी बूंदी है वो काफी गोल गोल बनती है, फिर हमें बेसन को फेंटने की जरूरत नहीं होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने तीनों कलर की बूंदी बनाकर तैयार कर ली है। अब हम चाशनी को थोड़ा सा और गर्म करेंगे, हल्का सा गर्म कर लेंगे, क्योंकि चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई होगी, तो हम गैस ऑन कर देते हैं और चाशनी को थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं, चाशनी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। अब हम सारी बूंदियां धीरे धीरे करके अपने चाशनी में मिलाते जाएंगे और इनको मिक्स करते जाएंगे। इसी तरह से हम अपनी धीरे धीरे करके सारी बूंदी इसमें मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स का भी यूज कर सकते हैं, इलायची पाउडर का भी यूज कर सकते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल बना रही हूँ। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, अच्छे लगेंगे वो भी। तो सारी बूंदी हमने मिला ली है, अब इसको ढक करके हम 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद हम लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। 25 मिनट हो गए हैं और हमारी जो बूंदी है उन्होंने सारी जो चाशनी है वो अब्सॉर्ब कर ली है, सॉफ्ट हो गई है चाशनी। तो हम हाथों में थोड़ा सा घी लगाएंगे और थोड़ा थोड़ा पोर्शन उठाते हुए हम छोटे या बड़े जैसे भी हमको पसंद हो उस साइज के लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। इनको हाथों से अच्छे से प्रेस करके दबाना पड़ेगा जिससे कि ये लड्डू की शेप ले सके, और ये जो लड्डू है बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे यार फ्रेंड्स, आपको ज़रूर पसंद आएंगे, और जो भी गेस्ट आपके आएंगे होली पर उनको बहुत अच्छे लगेंगे। और आप चाहें तो इनकी बूंदी भी बना करके रख सकते हैं, लड्डू अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो आप बूंदी बनाकर रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारा लड्डू तैयार हो गया है, और इसी तरीके से हम अपने बाकी के लड्डू भी बना करके तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे सारे लड्डू बन करके तैयार है, और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और जितने खूबसूरत है ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस होली पर आप इनको जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको जरूर पसंद आएंगे, आपके गेस्ट को पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स अगर ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।